ये अंधा बना कर रख दिया सर हम लोग को। कटोरा सर देख लीजिए, हम लोग कटोरा लेकर उतर गए रोड पे सर। बाल बच्चा है सर, देखिए हम लोग सर यहाँ ही मर जाएंगे सर, नहीं सुनेंगे सर। हम लोग का स्थायीकरण करें, हम लोग का सर वेतन क्लियर करें सर। हम इसलिए हमने पटना डिस्ट्रिक्ट में आकर के भीख मांग रहे हैं ताकि हम अपने बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा, अच्छा पढ़ाई लिखाई दे, लेकिन ये उम्मीद नहीं है तो भीख मांगने के लिए तैयार आ गए। यहाँ बार बार सर पुलिस सब हटा देती है, हम लोग भागने के लिए आए। हम लोग का पेट नहीं है क्या? वो सबके पेट है, हम लोग एक ही पेट नहीं है क्या? हम लोग भूखे काम करेंगे। 2012 से भीख मांगने आए हैं, कोरोना में 3 महीना ड्यूटी करे हैं, दीपावली में करते हैं, दुर्गा पूजा में करते हैं, सावनी में करते हैं, 12 साल से कट रहे हैं, आधा उम्र बीत गया। यहाँ आए मानदे के लिए, पेट के लिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं बीबू कुमार झा। अभी हम जेबी गोलंबर पर खड़े हैं जो कि पटना में जेबी गोलंबर पर लगातार जो है प्रोटेस्ट रहता है और कई हजार की संख्या में आज ग्राम रक्षा दल बिहार के खड़े हैं। अब तस्वीरों को देखिए, तमाम ग्राम रक्षा दल के लोग जो हैं कटोरा लेकर के आज जो है खड़े हैं और कहते हैं कि हम लोग को भीख मांगने का नौबत आ गया है। क्या कहेंगे, भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई है? सर हम लोग काम धाम करते हैं या कुछ मिलता नहीं, क्या करेगा हम लोग बेरोजगारी में। हम लोग तो अपना जिया से काम धाम करते हैं, लेकिन थानाध्यक्ष के माध्यम से काम धाम जाता आदेश तक जाते हैं, पर्व हो चाहे त्योहार हम लोग सभी पुलिसकर्मी लोग जाते हैं, लेकिन मैदाना में कुछ नहीं मिलता है। क्या ऐसा नौबत पड़ा जो आज कटोरा लेके हाथ में खड़े हैं? हम लोग के सर कुछ नहीं है पास में, पेट खाते लोग अपना विचारण कर रहा है। क्या सरकार को जागरूक करने के लिए कर रहा है कि लोग देखे और उस पर एक्शन ले। टीम गया है 5 मिनट के लिए, वहाँ से जो आदेश होगा फिर हम लोग काम करेंगे। पर्व त्योहार हम लोग जो आदेश होता है थाना अध्यक्ष का जो आदेश होता है हम लोग काम करते हैं। हम लोग रात्रि गश्ती भी करते हैं और कभी ये पर्व का माहौल आ जाए तो दिन में भी गश्ती करते हैं। और हम लोग आए दिन अपना जी जान से हम लोग मेहनत करते हैं, सभी पुलिस मित्र अपना जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन मैदाना में कुछ नहीं मिलता, खाली हाजिरी बनता है। हम लोग अपनी मांग को सरकार के पास रखे हैं और राजभवन में आने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्र हुए हैं और विचारण करते हुए वहाँ जाना है। यहाँ कुछ रोका गया है, लेकिन कुछ लोग गए हैं मिलने के लिए, 5 आदमी वहाँ से जो वार्तालाप होगी फिर जो आगे फिर होगा दिशा निर्देश वैसा काम हम लोग करेंगे। हम लोग का मांग है कि स्थायीकरण करें और वेतनमान करें बस। 5 लोग जो मिलने गए हैं जी, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? जी उम्मीद तो हम लोग यही जता रहे हैं कि चलिए वहाँ आवेदन पड़ेगा, आप सरकार का अच्छा विचार होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर इसी तरह हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा और क्या करेंगे। क्या करेंगे सर, घट रहे हैं 2012 से भीख मांगने आए हैं, कोरोना में 3 महीना ड्यूटी करे हैं, दीपावली में करते हैं, दुर्गा पूजा में करते हैं, सावनी में करते हैं, 12 साल से कट रहे हैं, आधा उम्र बीत गया। यहाँ आए हैं मानदेय के लिए, पेट के लिए सर, आधा उम्र बीत गया, कब मानदेय देगा? बाल बच्चा क्या खाएगा, इसमें घूरेंगे क्या खाएगा, इसके कमाते हैं। बड़े बड़े लोग सर 3 महीने कोरोना में सो गया घर में, हमारे सब में ड्यूटी करें ब्लॉक में और यहाँ बैंक में 3 महीने, वो सबका कोरोना बड़े बड़े आदमी को है सर, अब मेरे सबको नहीं है। कहाँ से हैं? जगदसपुर थाना से, भागलपुर बिहार से। आप लोग कहाँ से हैं? सर हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम इतने चाहते हैं कि सरकार से मेरी मांगे पूरी करें और हम लोग कुछ यही धंधागर्दी नहीं करेंगे ठीक दोबारा। हम इतने चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दे सरकार, इतनों दिन से काम कर रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेला ठेलों में सगरे काम करते हैं सरकार को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम शबनम कुमारी, बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बोलो। हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सरस्वती कुमारी मेरा नाम है, और सरकार से यही मांगे कि स्थायीकरण करें इसको। हम लोग बार बार आते हैं आंदोलन करने, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, हर बार कहते हैं इधर खड़ा हो जाओ, थाना ले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हर बार हर किसी का बात मानते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। हमारी मांगों को पता नहीं कब सरकार पूरा करेंगे। चौधरी से मिले, वो बोले कि आप लोग हृदय बांध के रहिए, आप लोगों को मिलेगा तो जरूर मिलेगा। पिछले महीने हमने सम्राट चौधरी का घर का घेरावा किए, उनसे मिले, वो बोले कि ठीक है आप लोगों को नौकरी पक्की है। आज हमको मिल रहा है कि नहीं कुछ नहीं, सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको मिलेगा, सिर्फ आश्वासन दे करके हमको रुक जाता यानी छोड़ दिया जाता है। जब हम इसमें लगे हुए थे तो कुमारे थे, आज हम शादीशुदा हैं, 2-4 बाल बच्चे हैं। जब हम आते हैं पटना या ड्यूटी जाते हैं तो हमारे बेटा हो या बेटी हो, पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा हम ड्यूटी जा रहे हैं, पापा उधर से कुछ लेके आइएगा, हम कहें बेटा जरूर लेके आएंगे। आज 5 साल 10 साल में हमारी बेटी शादी करने वाली हो जाएगी, हम फ्री में सरकार हमसे सिर्फ नौकरी खटवा रही है, 1 रुपया इनकम नहीं दे रही है। कल के हमारी बेटी को शादी करना हो या कुछ भी करना हो, हम कहाँ से करेंगे? इसलिए आफत आन पड़ी है जो पटना स्थल पर हमने भीख मांगने की काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी सरकार जो है अंधी है, गुंगी है। इसलिए हमने पटना डिस्ट्रिक्ट में आकर के भीख मांग रहे हैं ताकि हम अपने बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा, अच्छा पढ़ाई लिखाई दे, लेकिन ये उम्मीद नहीं है तो भीख मांगने के लिए तैयार आ गए।
क्या धोखाबाजी चल रहा है? क्या धोखेबाजी चल रहा है ये हमें जानकारी नहीं है। सिर्फ जब मिलते हैं तो कहते आश्वासन, यानी आप लोग को मिल जाएगी 2014 से लेकर 2022 तक, आज तक यही हमको मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। तमाम महिला लोग हैं और क्या कहेंगे आप लोग? बोलिए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, हम बका जिला से। ये है की हम सब काम करते हैं, हम लोग का दम चाहिए और क्या स्थाई चाहिए हम लोग का। काम करवाते हैं नहीं करता है, हम लोग का वेतन नहीं मिलता, बोलिए काम कर रहे हैं। जी सर, क्या समस्या? समस्या है कि हम लोग ये 14-15 वर्ष से लगातार ये सरकार का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग काम करते रहते हैं, सुविधा नहीं मिला, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं, सिर्फ ये आश्वासन ही दिया करते हैं। ये सुशासन की सरकार है या क्या है? सर हम लोग ग्राम रक्षा दल है, बहुत कई वर्षों से 12 वर्षों सर हम लोग 24 घंटा एनी टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग से सर सरकार ड्यूटी करवा रहे, दहेज पर था, शराबबंदी, जुआबंदी, दहेज पर करो, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। ये यदि आप लोग को सरकार नहीं सुनेगी तो आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति यही है सर, हम लोग सर आज हम आत्मदाह करो या मरो करेंगे सर, हम लोग सर यहाँ ही मर जाएंगे सर, नहीं सुनेंगे हम लोग, इस बार यही करो या मरो कर लेंगे, इसके लिए जो करना पड़ जाए सर सरकार को। क्या आप लोग चाहते हैं सर? हम लोग वेतन चाहते हैं सर, यहाँ से सर हम लोग का स्थायीकरण करे, हम लोग का सर वेतन क्लियर करे सर, हम लोग का 5 लोगों की टीम आप लोगों की गई है सर, गई है लेकिन नहीं सुनती है, ऐसा ही सर बार बार बुलाती है लेकिन नहीं सुनती है। ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद। आप लोग को कोई भरोसा है सरकार पे? अब सर भरोसा है लेकिन बार बार सर भरोसा देता है लेकिन अब हमको उम्मीद लग रहा है कोई भरोसा नहीं, बार बार ये जो जुमलेबाज की सरकार है सर, ये अंधा बना कर रख दिया सर हम लोग को, कटोरा सर देख लीजिए, हम लोग कटोरा लेकर उतर गए रोड पे सर, बाल बच्चा है सर देखिए। और शराबबंदी को लेकर करते हैं लेकिन इससे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार को। भगाया जाएगा तो भागेंगे ही नहीं सर, यहाँ भागने के लिए आए हैं क्या? नहीं, यहाँ बार बार पुलिस सब हटा देती है, हम लोग भागने के लिए आए हैं, हम लोग का पेट नहीं है क्या? वो सब की पेट है, हम लोग की पेट नहीं है क्या? हम लोग भूखे काम करेंगे? हम लोग उतना दूर दूर से चल करके आते हैं, किस लिए आते हैं? हम लोग भूखे रहेंगे क्या? वो सब खाएंगे, हम लोग भूखे रहेंगे, धूप में मरेंगे क्या? फ्री में काम करने के लिए आए हैं, इतना दिन से तो फ्री में खटते आ रहे हैं, 2012 से काम करते हुए आ रहे सर, हम लोग का कुछ नहीं है। हाँ फ्री में करवाया जा रहा है लेकिन सरकार बोल रही है आज हो जाएगी कल हो जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं बहुत ज्यादा संख्या में, तो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते नहीं करते, इससे भी भारी आंदोलन करेंगे। इन लोगों को परेशानी हुई थी लेकिन कोरोना के समय में क्या और भी लोगों को परेशानी नहीं हुई थी? क्या सबको वेतन नहीं मिल रहा था क्या? ये लोग ये कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कोरोना एक बहाना है लेकिन किसी की मेहनत होता है। यदि कोई काम किया है, यदि सरकार ने इसे बहाली किया है ग्राम रक्षा दल के रूप में, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेना सरकार को ज़रूरी है। ये कह रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि हम लोगों की बातों को सरकार क्यों नहीं सुन रहा है, सिर्फ कहते हैं कि हो जाएगा। आखिर कब तक होगा, सवाल ये है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।